क्रश तो या क्रश हो गई हो तो अब क्यों पुराने जख्मों को ताजा किया जाए मजाक कर रहा हूँ ऐसे क्रश तो सबके बहुत सारे होते हैं थे भी बहुत सारे थे अभी भी क्रश तो क्रश होता है बहुत सारे थे बहुत सारे हैं भी तो सबसे पहला सबसे पहला एक गर्ल्स बट उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं पहला मेरा था फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास आई गेस फोर्थ या फिफ्थ में था मैं ओके पहला क्रश था स्कूल मेट से हम लोग साथ में स्कूल में थे उसके बॉयकट पेड़ से मतलब मेरे को हमेशा वैसे पसंद आई मतलब दोनों झल्ली से झल्ली से चौथी पांचवी स्टैंडर्ड की बात है मेरे को ज्यादा तैयार संवरना तो होता नहीं था मम्मी जैसे तैयार करी वैसी थी हम ओके तो वैसे ही जाते थे बस लेकिन हम कोशिश करते थे कि स्मार्ट तो खैर बचपन से मम्मी क्या कहना है बचपन से स्मार्ट मम्मी की इन बातों को मैंने दिल पे ले लिया और मैं ऐसे चला जाता था कोशिश करते थे कि हम स्कूल में रहते थे मतलब क्लास अगर नहीं है या कुछ भी ऐसा है तो कहीं ना कहीं जाके ऐसे मिलने बैठ जाए देखते रहे दूसरे को ऐसा और मुझे ऐसे कई बार हिंट आती है आपके क्रश से भी आपको हिंट आती है कि उसके भी आप हाँ तो सर बहुत बात तो करते थे मतलब बातें करते थे लेकिन बस ये नहीं बोलते थे कि आई लाइक यू और समथिंग ऐसा कुछ चौथी पांचवी क्लास है यार कैसे हां तो ऑब्वियसली तो कैसे वही पूछ लिया यार वो टीचर बड़ी गंदी है वो टीचर बड़े अच्छे लगते हैं उन्होंने पता था कि मेरे को आज उन्होंने मेरे को चार डंडे मारे आज उन्होंने मेरे से किया ये बात और क्या बात होगी ज्यादा ज्यादा डायरीज एक्चुअली हमारी डायरी में ना हम लोग को रोज कुछ लिखना होता था स्कूल टाइम में तो हम लोग कुछ लिखना होता था तो कुछ वैसे ही डिस्कस करते रहते थे क्या लिखना है कैसे लिखना है ये करना है कितने घंटे पढ़ाई करी कल मतलब क्या बातें होती बच्चे बेचारे ओके तो उस टाइम कोई सॉन्ग वॉन्ग आता था जो दिमाग में चल रहा हो ऐसा कुछ नहीं कुछ भी नहीं ओके तो अभी वो कहाँ है पता है कुछ पहाड़े आते थे टू अंजे टू एक दूसरे को हम संजय से सुनाते थे ओके कुछ लाइनें जो हमारी डायरी की जो प्रार्थना होती है सिर्फ वही याद होती थी ओके तो उस टाइम पे और मतलब अभी कहाँ है वो कुछ पता है नहीं मतलब मैं तो सेवेंथ एट अगर अभी उस टाइम अगर ऐसा होता कि उस टाइम आप सेवेंथ एट में होते उस टाइम फोन होता उस टाइम व्हाट्सएप होता ठीक है तो आप कनेक्टेड होते क्रश के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी तो आई डोंट नो कि ये क्रश वाली लाइन आगे जाएगी नहीं जाएगी बट दोस्त वाली लाइन हमेशा वही रहती है वैसे ही आगे बढ़ती है दोस्त जरूर होते हैं क्या पता इस चीज का इजहार हम दोनों ने किसी से किया होता है नहीं किया बट ऑफ कोर्स हम दोनों कनेक्टेड होते हैं क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को इतनी छोड़ता नहीं ओके तो और दूसरों को जिनको बहुत सारे क्रशेज होते हैं एक टाइम पे भी बहुत लोगों को चार पांच क्रश होते हैं अलोंग वो लेके चलते हैं ठीक है उनके लिए कोई मैसेज क्रश होना बहुत अच्छा है बहुत जरूरी है मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना कुछ गोल देता है लाइफ में गोल मिलता है आपका कोई क्रश होता है ना तो उस क्रश की जो चॉइस है ना वो कहीं ना कहीं से आपका गोल बन जाता है तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है अगर आप कहीं आगे लेकर जा रही तो आपका सेट्स पॉजिटिव अदरवाइज किसी के क्रश के चक्कर में पागल ही जाना तो मेरे लिए तो अच्छा है यार बनाते रहो क्रश इंसान को खूबसूरत चीजें भगवान ने बनाई अगर वो पसंद ना आए तो क्या मतलब जीनेगा तो जो चीज अच्छी लगी उसे पसंद करो ऐसे ही क्रश मन में तो बोल ही सकते हो वैसे भी आप लोगों ने मूवी देखी आपको पता ही होगा एक तरफा प्यार क्या होता है तो वो कर सकते हो आप बिंदास खुश हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो कौन है कैसे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करो मतलब जितनी भी कायनात में भगवान ने खूबसूरत चीजें बनाई पसंद करते रहो एक्सेप्ट करते रहो ओके थैंक यू